हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश में पोयम द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, पोयम लास्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन हो गया है, आज के वीडियो में अपने एक्सरसाइज करेंगे। ओके, एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रोसरी मीन्स मीनिंग। फर्स्ट, डाइवर्स्ड मीन्स सेपरेटेड एंड टुक ए डिफरेंट डायरेक्शन। पूरा का पूरा डायरेक्शन ही दूसरा लेना, उसको बोलते डाइवर्स। नंबर टू, अंडरग्रोथ मीन्स डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड बुश। प्लांट और बुश की डेंस ग्रोथ मतलब जमीन के अंदर ग्रो होना, उसको बोलते अंडर ग्रोथ। नंबर थ्री, वांटेड वियर हैड नॉट बीन यूज्ड ना होने वाली कोई भी चीज़, उसको बोलते वांटेड वियर। नंबर फोर, हेंस मीन्स हियर इन द फ्यूचर। ओके, ये थी आपकी ग्रोसरी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। आंसर, द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ इन द येलो वुड। ट्रैवलर ने खुद को कहाँ पे पाया, येलो वुड में। एट द पॉइंट वेयर द रोड फ्रॉक इंटू टू, एक ऐसे पॉइंट में कि जहाँ पे रास्ते दो साइड जा रहे थे। द प्रॉब्लम दैट ही फेस इज दैट ही कैन नॉट डिसाइड विच रोड टू टेक आउट कंटिन्यू हिज जर्नी। उसकी एक ही प्रॉब्लम थी कि वो डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसको कौन से रोड पे जर्नी करनी है। सिंस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रैवल बोथ रोड एट द सेम टाइम, और वो पॉसिबल भी नहीं था कि वो दोनों रोड पे सेम टाइम पे ट्रैवल भी वो कर सके। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट दिस फ्रेज मीन्स टू यू। अभी स्टूडेंट्स, इसने थोड़ा से फ्रेज दिए, उसको आपका मीनिंग बताना है आपको। फर्स्ट, ए येलो वुड। आंसर, येलो वुड सिंबलाइज द एटम सीजन। येलो वुड क्या सिंबलाइज करता है, एटम सीजन। एटम कॉरेस्पॉन्डेंस विद ओल्ड एज, और एटम को किससे से कंपेयर किया है, ए ओल्ड एज से। ओके, द नेक्स्ट पेज, नंबर टू, द पासिंग देयर मीन्स द यूज ऑफ द पाथ बाय पैसेंजर। पैसेंजर से यूज किया हुआ रास्ता मतलब जो जिस रास्ते पर पैसेंजर चलते हो वो। देन क्वेश्चन थ्री, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम मीन्स। आंसर, द लास्ट टू लाइन ऑफ द पोयम मीन्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलिटी। उसका मतलब लास्ट टू लाइन पोएम का मतलब है रियलिटी की एक्सपेक्टेशन होना। द पोएट मेड ए चॉइस एंड एक्सपेक्टेड द चेंजिंग पाथ। पोएट ने चॉइस की और क्या एक्सपेक्ट किया, बदलता हुआ रास्ता। ही टुक एन एक्सप्लोराइज पाथ इन हिज वे, और उन्होंने वो रास्ते पे चलने का डिसाइड किया। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट इन हिज लाइफ, सो ही चूज द लेस ट्रैवल्ड रोल। इसलिए उन्होंने फिर डिफरेंट कुछ लाइफ में करने के लिए उनके सिलेक्ट किया कि कम ट्रैवल करने वाला रोड। ओके, नंबर फोर, आफ्टर यू हैव मेड ए चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, और डू यू एक्सपेक्ट
द रियलिटी. आंसर, टेकिंग ए डिसीजन सम टाइम मेक और मार्क्स योर फ्यूचर. कभी कभी आपके डिसीजन जो लेते हैं वो भी आपके फ्यूचर में एकदम यूजफुल होते. हैविंग मेड ए चॉइस आई एक्सपेक्टेड द रियलिटी. और यही चॉइस के थ्रू मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, रियलिटी. सच थॉट नेवर अलाउ अस टू बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव गेन फ्रॉम द डिसीजन. यही जो थॉट है हमें हैप्पी रहने देती है कि हमने जो सोचा था वही हमसे हो पाया. ओके स्टूडेंट्स, आपकी ये पोएम फिनिश हो गई. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर. देन योर होमवर्क वॉज प्रैक्टिस वन टाइम इन नोटबुक. तब तक आपको ये वन टाइम लिख के नोटबुक में प्रैक्टिस करनी. ओके, थैंक यू.